काफी काफी इंटरेस्टिंग थॉट है कि अभी इस समय इस टाइम में अगर जोकर होता इस टाइम से, मतलब तेरा मतलब यही है ना कि जो अभी कोरोना और ये सब चल रहा है और उस समय जोकर होता तो जरूर लोग शायद यही सोचते कि ये शायद उसी के दिमाग की उपज है, मतलब उसी ने कुछ किया है, ये कोई चीज गलत हो रही है और कोई आदमी गलत है, तो हम उन दोनों को चीजों को जोड़ देते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि ये इस चीज के पीछे यही कारण है। बट एक चीज मुझे काफी इम्पोर्टेंट लगता है कि मतलब कोरोना या ऐसा कुछ भी, ये जो जैसे अभी जो ये चल रहा है ये वायरस, और इसके वजह से जो लोगों में जो इसके वजह से जो क्योस क्रिएट हो रहा है उसका जो फिजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हम या वर्किंग क्लास है जो कम प्रिविलेज लोग है वो लोग में ज्यादा देख रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगता है जोकर का, हीथ लेजर का जो कैरेक्टर डार्क नाइट में हम लोग हम देखे हैं, उसका दिमाग इस तरीके से नहीं काम करता है। मुझे लगता है कि ही वांट्स टू अफेक्ट द पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ टू इम्पोर्टेंट टू दिस वर्ल्ड, मे बी दे आर दे हैव द पावर टू यू नो चेंज सोसाइटी, और वो लोग के पास जो बेसिकली ही वांटेड टू करप्ट हार्वी डेंट, व्हाई जो करना चाहता था ना जोकर डार्क नाइट के अंदर, उसको हार्वी डेंट को करप्ट करना है। तो हार्वी डेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्वी डेंट एक ब्यूरोक्रेटिक जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूरोक्रेसी जो एक सोसाइटी में जस्टिस लेके आ सकती है जहाँ पे क्राइम है या गलत चीज को सही करने का सिंबल हार्वी डेंट है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक एक पोस्ट है जिसपे एक पढ़ा लिखा आदमी बैठता है, और जब वो फिल्म में उसको घुमा देता है वो उसको भी करप्ट कर देता है और वो एक बुरा कैरेक्टर एंटेगनिस्ट बन जाता है। मोर देन जस्ट हार्मिंग पीपल फिजिकली, जोकर बिलीव इन चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड हिज आइडिया ऑफ केओस इज अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वी कंसिडर गुड, बट ही वॉन्ट्स टू क्वेश्चन वेदर वो चीजें सही में अच्छी है या नहीं। इस चीज को हम जस्टिस बोलते हैं जो हमको कोर्ट देता है या वो सारे इंस्टीट्यूशन जो हमारे देशों में या हमारे स्टेट में प्लेस होते हैं, जो जो एक फंक्शन सर्व करने के लिए होते हैं, उस चीज को अटैक कर रहा है। द सोसाइटी वॉज ऑलवेज करप्ट, मतलब जो मैं बस उसको आईना दिखा रहा हूँ कि ये सब लोग हमेशा ही करप्ट है, मैं बस उन लोगों को चांस दे रहा हूँ कि तुम आओ और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करो अपना, छुपाओ मत उसको, विच इज अ वेरी स्कैरी थॉट, बहुत डरावना थॉट है जो ये हम आज के टाइम में भी बहुत रिफ्लेक्ट होता हुआ देखते हैं। हाँ, और वो वही इंटरेस्टिंग बनाता है द डार्क नाइट एज अ फिल्म, जो मतलब हीथ लेजर ने जो जोकर का कैरेक्टर प्ले किया है और उसके अगेंस्ट जो बैटमैन है, तो ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इतना इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जिस फोर्स के साथ बैटमैन राइस से या इनजस्टिस से लड़ रहा है, सडनली उसके सामने जोकर जैसा एक एंटेगनिस्ट है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स एंड व्हाई ही वांट्स करेक्ट इन नॉर्मल केसेस। बुरा आदमी जो चाहता है वो सबसे, मतलब वो बहुत क्लियर होता है और उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता है, वो चाहता है कि या तो वो मतलब आपको मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है, या आपके पैसे लूट लेना चाहता है, और उसके पीछे एक बहुत ही क्लियर सेल्फिश फायदा होता है। दिस इज यूजुअल मतलब पोर्ट्रेयल ऑफ एंटेगनिस्ट इन मीडिया, बुक्स हो गया या फिल्म्स हो गया या टीवी सीरीज हो गया, या अभी चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, बट यही जोकर को अलग भी बनाता है। यू नो ही हैज टू बी स्टॉप्ड, या बैटमैन नोज, ब्रूस नोज कि जोकर को रोकना है, वो जानता है कि जोकर को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो गॉथम सिटी तबाह हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में जब वो जोकर को रोकने की कोशिश में किसी भी समय में
बैटमैन क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि जोकर जो चाहता है वो क्यों चाहता है. उसके बहुत ही लाइट ग्लिम्पसेस फिल्म के अंदर हमको कई कई से मिलते हैं, जहाँ पे आई थिंक कमिश्नर गॉर्डन एक लाइन बोलता है, जहाँ वो बोलता है कि जहाँ पे उसे पूछते हैं कि मतलब क्यों तुम्हें लगता है कि ये सब ये कर रहा है, मतलब पैसे के लिए कर रहा है या क्या चाहिए, तो कमिश्नर गॉर्डन ये बोलता है कि सम मैन जस्ट लाइक टू वॉच द वर्ल्ड बर्न. तो विच इज अ वेरी इम्पैक्टफुल लाइन विच सेज अ लॉट अबाउट हाउ कि शायद कमिश्नर गॉर्डन ही शायद उसको सबसे ज्यादा समझ पाया होगा या पता नहीं, वो नहीं पता, लेकिन दिस इज द क्लोजेस्ट यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर. देर इज अ पैटर्न टू इट. अगर आप डार्क नाइट देखो तो आप ये देखोगे कि उस फिल्म में हार्डली एक कोई भी सीन आप देख रहे हो जोकर का जिसमें जिसमें जोकर आपको वैसे दिख रहा है, मतलब जैसा वो है, वो हमेशा वैसा है जैसा वो आपको दिखाना चाहता है या उसके आसपास के लोगों को फिल्म के अंदर दिखाना चाहता है. He never shows his true intention, true colors, which is a very, which makes him a very layered character. We never understand what is the real intention of Joker, or we don't understand it in the Dark Knight. अगर हम फिल्म चीज को आज के कॉन्टेक्स्ट में लेके देखते हैं तो बहुत सारा थ्योरीज है, बहुत सारा ट्वीट और ये सब अभी देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि ये लॉकडाउन होने के वजह से जितना डेली लेवल पे हम जिस स्केल पे हम लोग पोल्यूशन या वो सब केओस, हमारा नॉर्मल रूटीन में जो केओस हम ह्यूमंस बाहर निकल के करते हैं वो इतना ड्रास्टिकली कम हो गया है कि देयर इज वी हैव प्योर एयर नाउ इन सम एरियाज, क्या कुछ एक इटली में पता नहीं कुछ एक लेक है जहाँ पे वापस से डॉल्फिन आ गया है. मतलब अगर ये ऐसा नहीं भी हुआ है, मतलब मतलब जैसे मैं पर्सनली मानता हूँ कि ऐसा किसी ने क्रिएट नहीं किया है, अगर हम इस तरीके से ना भी देखें कि किसी ने ये क्रिएट किया है बस, और अगर हम यही माने कि हमको नहीं पता है कि इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन नाउ दैट इट इज ऑल अराउंड अस, अब जबकि ये हमारे लाइफ में आ चुका है और अब इसके बारे में हम इससे पीछे नहीं जा सकते, द होल पैंडेमिक इज नाउ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एट दिस पॉइंट, तो उसके जो भी जिस भी तरीके का थ्योरी या जो भी स्टोरी उससे निकल के आ रहा है वो सब एक लेसन की तरह है. अगेन जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन, लाइक इफ यू सी द डार्क नाइट, दैट इज व्हाट यू नो ओवर द कोर्स ऑफ द फिल्म, although बहुत लोगों को लगता है कि द डार्क नाइट इज एक्चुअली जोकर्स फिल्म एंड नॉट दैट मच बैटमैन, ये काफी पॉपुलर नोशन है, बट अगर आप इस तरीके से देखो तो यू विल फाइंड दैट ओवर द कोर्स ऑफ द डार्क नाइट एक्चुअली द कैरेक्टर ऑफ बैटमैन इवॉल्व्स अ लॉट, इन द सेंस कि उसके सामने इतना इतना डिफिकल्ट पजल और इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जोकर रखता है पूरी फिल्म में, स्टार्ट से लेके एंड तक वो एक स्मार्टर सुपर हीरो बन चुका है, मतलब वो स्मार्टनेस कोशेंट फिल्म में बढ़ता है. दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन दैट केओस प्रॉब्लम्स सर, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होता है या जो केओस होता है वो ये फंक्शन सर्व करता है, ये वो हमको एक स्ट्रॉन्गर व्हाटएवर डजंट किल यू.